अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो आ गए हम गुलाम शाह कलोड़ो हैदराबाद के तारीखी बादशाह, जिसके अंदर तारीख की हिस्ट्री के अंदर एक वो कनेक्शन मिलता है। तो गुलाम शाह कलोड़ो का मज़ार आज हम विज़िट कर रहे हैं और आपको इसके बारे में पूरी तारीख की हिस्ट्री हम देंगे कि इनका हैदराबाद सिंध से क्या ताल्लुक़ था और सिंध में इन्होंने कब हुकूमत कायम की। 1762 के अंदर इन्होंने अपनी जो है सिंध के अंदर हुकूमत कायम की और 1768 के अंदर जो हैदराबाद के तारीखी दो मुकाम आज भी जो खंडरात का वो मनाजिर पेश कर रहे हैं जो, तो 1758 के अंदर 1768 के अंदर इन्होंने कच्चा किला और पक्का किला जैसे दो तारीखी इमारतों की बुनियाद रखी। जो गुलाम शाह कलोड़ो, अगर मैं हैदराबाद के अंदर रहने के बावजूद ये कहूँ कि हैदराबाद शहर एक पहाड़ के ऊपर वाक़ है, तो इसके अंदर कोई वजह बिला वजह कोई बावजह इसके अंदर शक व शुबात नहीं है, क्योंकि जब आप इनके जो मज़ार जहाँ बना हुआ है वहाँ से वही पहाड़ शुरू होता है और जब हम उसको एंड करते हैं उस पहाड़ को, वो जो पहाड़ एंड हो रहा है आपको कच्चे किले पे जाके वो पहाड़ एंड हो रहा है। 1772 के अंदर इनका इंतकाल हुआ था, आज उनके मज़ार विज़िट कर रहे हैं और कुछ अगर लोग हमें यहाँ मिल जाते हैं तारीख़ी हवाले से उनके बारे में हिस्ट्री देने से ले और भी कि कब इनका मज़ार यहाँ पर, इनको किस तरीके से डेथ हुई इनके और कब इनको यहाँ लाया गया, तो वो हम दिखाएंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी किसी मज़ार वगैरह पे या किसी कहें कि तारीखी जगह पे नहीं देखी, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे घर नुमा टाइप बनाए हुए हैं पत्थरों से जो बनाए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ शायद आपको नज़र आ जाए। ये इस टाइप के जो घर लोग यहाँ बना रहे हैं तो इनकी भी हिस्ट्री पूछने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग क्यों लोगों ने इधर ये बनाए हुए हैं, किस लिए बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये किस तरीके से ये जो है घर का क्या बनाने का इधर कॉन्सेप्ट। अभी मज़ार के हम बैक साइड की तरफ चल रहे हैं तो वहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ लोग जिनके घर नहीं है, जो लोग घर की तमन्ना रखते हैं, किराए के घर हैं जिनके बेचारों के, हर हर किसी की उम्मीद होती है, एक तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, साथी घर हो, तो जिन लोगों के यहाँ पर नहीं है तो मैं उनके लिए दिखाता हूँ कि लोगों ने क्या करा हुआ है, किस तरीके से वो अपनी इस चीज़ के अंदर बिलीव करते हैं और बहुत से कहते हैं कि हमें हमारी जो मुरादें वो पूरी भी हुई हैं यहाँ पर करने से, जो अभी जो भाई से हमें पता लगा है। तो ये कुछ देख रहे हैं कि आपको डिटेलिंग में आपको दिखाता हूँ कि अच्छा, बेशक एक देने वाली ज़ात, भाई ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन लोगों का मानना है, एक अकीदा चलता हुआ आ रहा है 20-30 साल से, लोग भाई बता रहे हैं कि लोग आते हैं इस तरीके से अपने घर ये बनाते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि ये कि वो लोगों के मानना है कि फिर हम ये करते हैं आगे इधर, तो गुलाम शाह कलोड़ो साहब की मुराद से या दुआ से उनको घर मिल जाते हैं। भाई का ये भाई बता रहे हैं कि जिनके घर नहीं होते तो वो लोग इधर आते हैं और अपने इस तरीके से ये ईंट से या पत्थरों से, पहाड़ों के पत्थरों से लेके घर बनाते हैं। तो क्या उनके घर वगैरह, मतलब फिर उनको मिलते हैं घर वगैरह या उनका यकीन होता है सिर्फ? उनको अपने घर पे मिलते हैं और उनके बाद जो उम्मीद रखते हैं वो चीज़ लेके भी आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भाई थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे वीडियो के आने के अंदर, तो इसलिए हमने भाई को दूर रखा है, तो आपको ये है कि वॉइस इनके हम करवा सकते हैं और डिटेल इनसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ कितने मतलब लोग किस टाइम पे आके ये जो है बनाते हैं घर? ज़्यादा करके जो जुम्मा और जुमेरात को, जुम्मे और जुमेरात के अंदर आ तो लोग, ये तो ज़्यादातर जेंट्स ही चीज़ को मानते हैं या लेडीज़ वगैरह भी? ज़्यादा लेडीज़ ही आती है हमारे पास, तो ज़्यादातर लेडीज़ जो लोग होते हैं वो इधर आके अपना घर ये इस तरीके से बनाते हैं पत्थर वगैरह। तो भाई का मानना है कि, भाई ने भी ये कहा है कि जो लोग आते हैं उनको मुराद पूरी हो भी जाती है, वो तो अपना अपना मानने का एक अकीदा है। अच्छा, और जो है अभी तक ये कब से ये सिलसिला चल रहा है तकरीबन घर वाला, ये कब से शुरू हुआ? ये तो तकरीबन अल्लाह ताला आपको नेकी दे, इसको हो गए नहीं भी नहीं तो 20-30 साल हो गए इस सिलसिले को चलते माय 90s के अंदर। हाँ, तो आपने जब मज़ार बना था, जब ये जब इनका इंतकाल हुआ था, तो लोग तब से इधर आ रहे हैं माशाल्लाह विज़िट कर रहे हैं? हाँ, तब से बाहर से भी लोग आते हैं, अंग्रेज़ भी आते हैं बाहर से, मगर जो चीज़ है साईं को जो पर्दा होते हुए टाइम हुआ है वो 400 साल हो गए, 1772 के अंदर इनका वो हुआ था। हाँ, तो एटलीस्ट तकरीबन 300 साल तो हो गए, ऊपर हो गए 300 साल हो गए। हाँ, तो जब अच्छा दूसरी चीज़, जो लोग जो आते हैं यहाँ से ज़्यादातर कहाँ के आते हैं, सिंध के ही आते हैं या बाहर से भी लोग कितने आते हैं? बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं। तो तकरीबन एक और दी चीज़ भाई बता रहे हैं कि जो एक हमने बचपन से ही सुनते हुए आ रहे थे कि मछली वाले बाबा, मछली वाले बाबा, मछली वाले बाबा, तो हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे थे,
लेकिन आज जाके पता लगा है कि गुलाम शाह कलोड़ो साहब भी जो है मछली वाले बाबा, इन्हीं को लोग कहते हैं। जो हैदराबाद के हम सुनते हुए आ रहे थे, हैदराबाद टट्ठा बदीन यहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। अक्सर हमने सुना था कि भाई मछली वाले बाबा के मेला लग रहा है, मेला भी होता है इनका। हाँ। तो वो मेला किस दिन को होता है? मोहर्रम की 8 तारीख को। तो वहाँ तो बड़ा रश होता होगा फिर, तकरीबन कितने लोग आ जाते हैं? काफ़ी लोग आ जाते हैं, 10-15 हज़ार या कम आते हैं, 8। हाँ ऐसे होते हैं, मतलब 7-8 हज़ार भाई बता रहे हैं कि तकरीबन मोहर्रम की 8 तारीख को मेला होता है बड़ा इधर। तो मछली वाले बाबा के नाम से भी लोगों ने इनको मशहूर कर दिया। तो इसके पीछे क्या कहानी, मछली वाले बाबा क्या, क्यों इनका नाम रखा गया? इसमें ये था, जो साई जो था वो अपनी मछली खाता था शौक से। अच्छा सर, गुलाम शाह कलोड़ो साहब मछली के शौकीन थे। सिंध की मछली तो वैसे ही बड़ी मशहूर है। मशहूर है, जैसे हम कहते हैं भाई एक गुलाम शाह कलोड़ो, मगर हम अपने हिसाब से कहते हैं उसको मियां गुलाम शाह कलोड़ो। मियां गुलाम शाह कलोड़ो, हाँ बिल्कुल। हम नाम पूरा नाम तो इनका आएगा। बिल्कुल, मछली के शौकीन थे इसलिए इनका जो नाम मछली वाले बाबा, मछली वाले बाबा, मछली वाले बाबा पड़ा। तो ये भी क्या तरीका है फिर मछली का, मतलब जैसे कोई मन्नत ले? अच्छा, मछलियाँ फिर यहाँ पर लोग ज्यादातर लंगर में क्या करते हैं? मछली मछली का ही सालन होता है ज्यादा, मछली का ही सालन होता है तकरीबन, जो मुहर्रम की 8 तारीख को मजा वो मेला होता है, वो मछली का ही सालन होता है सर। और कोई मन्नत उठा के जाता है वो भी एक मछली लेके आ जाते हैं, जो एक तो रोटी तोड़ के एक हिस्से के अंदर एक मछली का हिस्सा रख के देते हैं पीस, वो बांट देते हैं, वो 5 हो 10 हो 20 हो वो उनके ऊपर होता है। मतलब लोग 8 तारीख को, जो मुहर्रम की 8 तारीख को मेला होता है, उसके अंदर ये करते हैं कि मछली ली, उसको बनाई और यहाँ पर ला के लोगों के अंदर तकसीम कर दिया रोटी के साथ। तो इस तरीके इस सिलसिले से भी मछली वाले बाबा वो मशहूर हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर किसी की वजह से अपना अकीदा होता है। अच्छा, और इनके जो गुलाम शाह कलोड़ो साहब जो इनके ख़ानदान वाले थे वो कहाँ पर है? वो यहीं पर ही जैसे बच्चे वगैरह होंगे, भाई वगैरह वो साईं के नज़दीक जो पड़े हुए, साईं के पोते पड़े हुए पोते हैं इसके साइड में। अच्छा। और इसका बड़ा बेटा है सरफराज कॉलोनी, सरफराज कॉलोनी में उनका बड़ा बेटा सरफराज बाबा। अच्छा। इनका बड़ा बेटा है। अच्छा अच्छा, ये भी एक हिस्ट्री भाई बाने भाई ने बता दी है, जो सरफराज बाबा है वो भी इंशाल्लाह हम आपको विजिट करके दिखाएंगे उधर भी। तो सही बता रहे हैं कि वो इनके बड़े बेटे हैं सरफराज बाबा। तो उनका तो मेला वैसे ही, उनका भी एक मेला होता है बड़ा मशहूर, वो तो मैंने भी हमने भी देखा है कि मुहर्रम की जब 40वां होता है उस दिन बड़ा वो मशहूर होता है, पल्ले भरे जाते हैं, एक पल्ले भरे जाते हैं। तो वो कहते हैं कि लोग जो जिनको औलादें नहीं हो रही होती या शादी, जो काफ़ी ज़्यादा मन्नतें उनकी मानते हैं। तो ये तो एक माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमें तारीख़ी हिस्ट्री के अंदर हमें पता लग रहा है भाई से। तो भाई बड़ा आपका शुक्रिया आपने, भाई एक तो मसला ये है कि कैमरे पे नहीं आना चाह रहे हो बिल्कुल ही, नहीं उन्हें अवॉइड कर दिया, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किए इनसे पर इन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको जो हिस्ट्री चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। माशाल्लाह भाई ने बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री हमें बता रहे हैं, और अभी बता रहे हैं कि पोते भी हैं इनके साथ में मज़ार, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। और सरफराज बाबा जो इनके बड़े बेटे हैं वो तो माशाल्लाह काफ़ी मशहूर रहे, हमने उनकी जब से हैदराबाद के अंदर रह रहे हैं तब से हर किसी को ही उनका पता है सबका, और नाम काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह, मेला उनका बड़ा लगता है। तो आज इनके हम भी पोतों की कब्र पे चलते हैं और उनसे और हिस्ट्री भी लेते हैं भाई से। तो अभी हम चल रहे हैं जो गुलाम शाह कलोड़ो उर्फ मछली वाले बाबा उनकी दरगाह के अंदर। तो ये मछली वाले बाबा माशाल्लाह ये आराम फरमा रहे हैं, गुलाम शाह मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो साहब ये उनके आखिरी आराम गाह है। तो मछली वाले बाबा, अब लोग मुझे आज ही ये पता लगा कि मछली वाले बाबा ही हैं पूरा उनकी जो है आखिरी आराम गाह। और ये हैं उनके पोते, ये पोते ही बताया आपने भाई, तो ये इनके एक पोते थे जो ये भी उनकी ही आराम गाह। तो ये छोटे ही थे जी जी। तो बाकी जो और इनके भाई ये बता रहे हैं, भाई जो है गुलाम नबी कलोड़ो, वो उनका मज़ार भी बराबर के अंदर ही है, बिल्कुल साइड के अंदर ही है। तो अभी वहाँ पर भी हम आपको लेके चलते हैं इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमें यहाँ पर हासिल हुई है जो हम किसी इंटरनेट वगैरह से हासिल नहीं कर सकते थे, किसी किताब से बहुत मुश्किल है कि किसी किताब के अंदर हमें मिल जाती। तो हैदराबाद का जो मशहूर चौक हैदर चौक, जो दुआ वाले हाथ यहाँ पर बने हुए हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो किन के नाम पर रखा गया है वो भी हम आपको बताते हैं कि वो भी ये गुलाम
इनके नाम पर रखा गया है, जनाब हैदर बख्श जतोई साहब, हैदर बख्श जतोई साहब के नाम पे हैदर चौक रखा गया है, जो हैदर चौक हैदराबाद का बिल्कुल मशहूर चौक जो है। तो ये भी एक नॉलेज यहाँ पर आने के बाद हासिल हुई है। माशाल्लाह काफ़ी तारीख फुल रही है हिस्ट्री हैदराबाद की। अगर मैं बात करूँगी हैदराबाद के हवाले से तो बहुत ज़्यादा तारीख वाली ये जगह है। ग़ुलाम शाह कलोड़ो साहब उर्फ मछली वाले बाबा, जो एक हमें आज नया पता लगा है कि हम सुनते थे जो हैदराबाद की आवाम में सुनती थी कि मछली वाले बाबा, लेकिन लिटरली बताऊँ मुझे यहाँ पर आने के बाद आज पता लगा है कि मछली वाले बाबा ग़ुलाम शाह कलोड़ो साहब हैं, कि उन्हीं के नाम से ये उनको ही कहा जाता है कि मछली वाले बाबा। तो आज की व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह, और अगर ज़िंदगी रही आगे तो और इसके ऊपर हम मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे और हैदराबाद की नई नई तारीखी हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो जो जो अगर आप कमेंट्स करके बताएं कि कच्चे किले को हम विज़िट करें या नहीं करें, उसके अंदर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। और आदिल साहब मेरे साथ बिल्कुल ये शर्मा रहे थे अभी वीडियो के अंदर आने के लिए, तो आदिल साहब से ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगली वीडियो के अंदर गूंगे बन के ना घूमें, थोड़ा सा कुछ बोलें।